कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रिया ने ये बड़ा इतना बड़ा अवार्ड जीता है अप्सरा महाराष्ट्र 2019, कितनी खुशी हो रही है। एक ज़माना भी था कि जहाँ बेटियों को कोठरी में मार दिया जाता था, और बेटियाँ आज इतना, कल्पना चावला, हाँ, तमाम ऐसी बेटियाँ हैं जिन्होंने भारत का पश्चिम लहराया है। एक बाप होने के नाते कितनी खुशी हो रही है आज जब बेटिया ने इतना बड़ा अवार्ड जीता है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। मैं सोचा नहीं कि फर्स्ट आएगी। मैं सोचा चलो ऐसे ही महाराष्ट्र का कर रही है, सपोर्ट किए, मेहनत बहुत की है। इसने खुद मेहनत बहुत की। पहला सबसे पहले इससे पहले अभी दिल्ली गई थी, दिल्ली में ग्रैंड मराठा में बहुत बड़ा शो हुआ, उसमें फर्स्ट लड़ा था भागा। उसमें 51 में जीत गए तो कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा हो गया, तो मैं कुछ कर सकती हूँ। जब बच्चे को शौक है करो, हम खुश करें, आगे बढ़ो, हम उसको रोक नहीं रहे। जो उसका तमन्ना है करना है, उसको बोले डैडी मेरे को पिक्चर में काम करना है, मतलब आपका लक हम खाली खुश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला सपोर्ट करेगा, अपने आप बनेंगे। बस यही खुशी है बच्चे आगे बढ़े, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। ओके प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में आपको अवार्ड मिला, आज ये मिला और फिर शायद अभी कुछ और मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे स्ट्रेंथ लाती हैं, कैसे इतनी पावर लाती हैं कि भाई काम पे काम करती जा रही हूँ? आपका मैंने देखा सैंडल का भी जिक्र हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? बिल्कुल, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है डेफिनेटली, मेरे फादर से बहुत स्ट्रेंथ मिली है, क्योंकि काफ़ी कम उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे, अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे। वो 45 ईयर्स इंडस्ट्री में बिताना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, और अब तक वो काम कर रहे हैं भोजपुरी मूवीज़ में, पंजाबी मूवीज़ में, तो मुझे भी उनकी तरह बनना है। उन्होंने कभी मुझे बेटी की तरह नहीं पाला है, बल्कि एक बेटे की तरह पाला है, एक शेर की तरह पाला है, तो मैं वो शेर बनकर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, जब मेरे दो बच्चे हो गए तो डेफिनेटली मैंने ब्रेक लिया था, पर अब मैं वापस आई हूँ विद अ बैंग। दो अवार्ड, तीन अवार्ड में जीत चुकी हूँ और आज तीन अवार्ड में और वापस जीती हूँ। मिसेज इंडिया 2019 क्वीन सब्सटेंस और मिसेज बेस्ट पर्सनैलिटी, प्लस फिर मैंने यहाँ का शो लिया मुंबई महाराष्ट्र अप्सरा, और यहाँ का अप्सरा मुंबई महाराष्ट्र प्लस ब्यूटीफुल फेस, और तीन तीन टाइटल मैं जीत चुकी हूँ आज। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आगे और काम करना चाहूँगी मूवीज़ में, भले वो तेलुगू मूवीज़ हो, तमिल मूवीज़ हो, साउथ की मूवीज़ हो, पंजाबी मूवीज़ हो, और हिंदी सीरियल्स। डेफिनेटली आई एम ओपन टू एवरीथिंग एंड आई विल वर्क एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, डेफिनेटली। इसके अलावा अगर बात करें फिल्मों की, या कुछ पाइपलाइन में है कुछ रिवील करना चाहेंगे? पाइपलाइन में मेरी अभी पंजाबी मूवी की बात चल रही है, तो डेफिनेटली वो, और एल्बम की भी बात चल रही है, सो डेफिनेटली आई वुड वर्क टूवर्ड्स दैट। मुझे क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब एक बिटिया कदम पे कदम मतलब बढ़ती जा रही है, ऐसे प्राउड हो रहा है? बहुत प्राउड होता है आज का दिन, तो फील कर रहे थे जब ये चल रही थी वॉक पे और आपने देखा कि सैंडल टूटा हुआ था। हाँ, मैं खुद वीडियो निकाल रहा अपने मोबाइल पे, मेरी बेटी आ रही, मेरी बेटी आ रही, वो एक अंदर से ख्वाहिश होती मेरी बेटी आ रही, वो मोबाइल, और मेरी बेटी को इतना बड़ा प्राइज मिलेगा ये थोड़ी मालूम था। ये तो ऊपर वाले की इसकी मेहनत है यहाँ तक आई, और उसके बाद इसके वजह से मेरे को भी इज्जत मिली। आज मेरे को बोले पप्पू जी आपकी बेटी, आज मेरे को इन्होंने ऐसे गेस्ट बुलाए थे, ऑनर किए, तो उसके बाद इनको ये मालूम पड़ा और ज़्यादा इज्जत मिली, बेटी की वजह से मेरा भी एक नाम हुआ, बस यही बड़ी बात है मेरे लिए। प्रिया, आखिरी सवाल चलते चलते, ये इंटायर टीम और स्मृति पांचाल की बात करें और शेखर पांचाल की बात करें, कितना सपोर्ट रहा इस शो को लेके, और क्या उनका किस प्रकार से धन्यवाद अगर डेफिनेटली शुरुआत से ही लेके जिस दिन से मैंने इस शो में एंटर किया है, मैम और शेखर सर से बहुत अच्छा रैप हो रहा है, और मैम और सर ने हर पल हमारी मदद की है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने उनको कॉल किया हो, या किसी असिस्टेंट ने कॉल उठाया हो, या उन्होंने कभी हमारा कॉल नहीं लिया हो। जब भी हमने कॉल किया या कोई भी क्वेरी थी या कुछ भी मैम को पूछना चाहा कि मैम ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की, हमें आगे बढ़ाया, हमें टिप्स दी कि आज तुम्हें ये करना है, ये करना है, सारे टास्क हमें बताए गए थे, हमें किस तरह से वो टास्क करने, हमने सारे टास्क कंप्लीट किए। फिर हम करजत गए, तीन दिन की हमारी ट्रेनिंग वहाँ थी, ग्रूमिंग ट्रेनिंग, कैसे चलना है हमें, कैसे बोलना है हमें, एक डांस भी करना था परफॉर्म, तो मैंने इसके लिए लावणी परफॉर्म किया था। लावणी के लिए मैंने काफ़ी एक महीना पूरी प्रैक्टिस की थी। जो लावणी के मेरे गुरु थे वो बेस्ट मुंबई के डांसर थे, जो लावणी परफॉर्म करते ऑल ओवर मुंबई, उनको मैंने हायर किया था, उनसे ड्रेसेस लिए थे, उनसे पूरा मैंने मेकअप, पूरा गेटअप सीखा था, और तब जाके मैंने ये परफॉर्म किया और तब मैं यहाँ पहुँची। लावणी के लिए पप्पा से ले लेते टीम,
वो लावनी जो थे उन पापा ही उनको लेकर आए थे. ही इज द किंग ऑफ लावनी यू वुड से. क्या होता है जैसा देश वैसा भेद. लावनी वो ऑलरेडी कर रहे हैं. मैं तो मराठी कितनी लावनी की है. हाँ तो बेटी नहीं सीखी ना, फिर भी मैं गया. उन्होंने जो मूवमेंट किया सब किया, फिर मैंने इसमें थोड़ा ये कमर का डालो, नहीं इसमें थोड़ा चेंज करो, ये आज भी बोलिए मास्टर जी आपने तो बहुत अच्छा बताया. तो एक छोड़ देना चाहिए जो करेक्ट सीख जाए. अगर मैं सिखाऊंगा मेरे पास टाइम नहीं, मैं जाऊँगा क्या कर रहे हो, गुस्सा करूँगा तो ये डर जाएगा. दूसरे मास्टर के पास करेक्ट सीख फ्रीडम दे देना. जो लोग नहीं जीत पाए मैं उनको सिर्फ इतना ही टिप देना चाहूँगी कि आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है स्टेज पे. काफ़ी लोग मैं जानती हूँ कि मैरिड है, वुमेन्स हैं, और पहली बार वो घर से उठ के पहली बार बाहर निकली हैं कि ब्यूटी पैजेंट में आई हैं, मगर उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है कि हम ये कैसे करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हम कहाँ से लाएँगे, हम कैसे क्वेश्चन आंसर्स आंसर करेंगे, हम कैसे करेंगे. मैंने जितना हो सके मैंने सबकी मदद करने की कोशिश की और उनको यही कहा कि आप कुछ भी कीजिए अपना कॉन्फिडेंस मत छोड़िए. आप स्टेज पे जाइए, आप डरिए नहीं, आप बस परफॉर्म कीजिए, और जीतने के लिए नहीं, सिर्फ इन्जॉय कीजिए. आप ये सोचिए आप किसके लिए ये करें. जैसे मेरे लिए मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है, तो जब मैं स्टेज पे जाती हूँ मैं सिर्फ अपने दो बच्चों को देखती हूँ कि मैं उनके लिए आज ये कर रही हूँ, उनके लिए मैं अपने पैरों पर खड़े हो रही हूँ और उनको एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.